afternoon, students. Welcome back to the solution Quick Way to Learn. In this first video tutorial, I am going to teach beta-elimination of alkyl line. Let's start. So, alkyl line basically jo hai wo do tarah ke reactions dete hain. Substitution reactions or elimination reactions. In reactions ko in detail study karne se pehle hum kuch basic terms ko seekh lete hain. Jaisa ki फर्स्ट वन इज द अल्फा कार्बन तो वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाती है. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है पर हम जानते हैं चैप्टर नंबर 7 में अपनी पार्ट 2 की केमिस्ट्री के चैप्टर 7 में आपने भी वो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे तो वहां आपने पढ़ा होगा कि जो हैलोजन्स होती हैं वो कैसे फंक्शनल ग्रुप बिहेव करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर. तो लेट्स सपोज हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है व्हिच इज CH3X. हियर एक्स रिप्रेजेंट्स द हैलोजन. तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है तो जो हैलोजन है वो चूंकि एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है तो ये जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा वो कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन. इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो CH2X. ये भी हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन्स डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा और अल्फा कार्बन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है उस कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं. वो कार्बन क्या कहलाता है बीटा कार्बन. तो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं और बीटा कार्बन किसे बोलते हैं. तो वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो वो अल्फा कार्बन और वो कार्बन जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो वो बीटा कार्बन कहलाता है. नेक्स्ट एसिड. आप जो है वो 10th क्लास में है वो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते आ रहे हैं और वहां पर आपने जो है वो लोरी ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट इन डिटेल पढ़ा है और वहां आपने एसिड को डिफाइन किया कि एसिड कोई भी ऐसी स्पीशी होती है जो प्रोटॉन देने का रुझान रखती है. कोई भी ऐसी स्पीशी जो प्रोटॉन डोनर हो जो प्रोटॉन देती हो वो स्पीशी क्या कहलाती है एसिड. तो इस बात को आपने यहां भी ध्यान में रखना है क्योंकि इन रिएक्शंस के अंदर हम इस वर्ड को यूज करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलरिटी. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स एट द टाइम पार्टिसिपेट करते हैं वो उस रिएक्शन की क्या कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी. किसी एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम पार्टिसिपेट करते हैं वो उस केमिकल रिएक्शन की क्या कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी. लेट्स सपोज हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्शन से बनता है सी और डी. अब इस रिएक्शन के अंदर चूंकि दो मॉलिक्यूल्स या दो रिएक्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए तो लिहाजा इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 2. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट रिएक्शन होता है या रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किसी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एक्सपोनेंट्स का जो अल्जेब्रिक सम होता है वो क्या कहलाता है उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. समझते हैं अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज. अगर आपको इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर याद हो अपने 10th की केमिस्ट्री का तो वहां आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है उस रिएक्शन के अंदर मौजूद रिएक्टिव स्पीशीज की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो इस रिएक्शन के अंदर ये दो रिएक्टिव स्पीशीज हैं और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगी तो इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के. तो इट मीन्स कि इस रिएक्शन का जो रेट है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज. तो इन रिएक्टिंग स्पीशीज के अगर आप एक्सपोनेंट्स को देखें तो ए की पावर 1 बी की पावर 1. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन में मौजूद रिएक्टिव स्पीशीज के एक्सपोनेंट्स का अल्जेब्रिक सम. तो यहां
का a की पावर 1 b की पावर 1 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2. इट मींस कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा 2. आगे चलते हैं 8 डिटरमिनिंग स्टेप. तो जब हम किसी के केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो मोस्टली सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन ही होते हैं, बल्कि डिफरेंट स्टेप्स की सीरीज के अंदर कोई एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है. तो वो स्टेप डिफरेंट स्टेप्स की सीरीज में से वो स्टेप जो किसी रिएक्शन की स्पीड को डिटरमिन करता है वो स्टेप क्या कहलाता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप. तो किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जब वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ओवरऑल रिएक्शन जो होता है वो डिफरेंट स्टेप्स की सीरीज में बेस करता है. और डिफरेंट स्टेप्स की सीरीज में से वो स्टेप जो उस ओवरऑल रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करेगा वो स्टेप क्या कहलाएगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाएगा. तो मेजरली जो है वो दो कैटेगरी से बिलोंग करती है, कैटेगरी रिएक्शन. फर्स्ट कैटेगरी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकंड कैटेगरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन. हमारा मेजर कंसर्न आज के टॉपिक में जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन से रहेगा. एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो क्या होती है, कैसे प्रोसीड होती है वगैरह. सिंपली हम इनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को कि वो रिएक्शन जिनमें एच और एक्स एलिमिनेट होते हैं किसी अल्काइल ग्रुप से. ऐसे रिएक्शन जिनमें एच और एक्स एलिमिनेट होंगे दोज रिएक्शंस इन विच एच एक्स एलिमिनेट फ्रॉम अल्काइल ग्रुप. Such kind of reactions are called elimination reaction because eliminate हो रहे हैं hydrogen भी और X भी, मतलब X मतलब halogen. तो किसी एक alkyl ग्रुप में से जब दो चीजें यानी कि hydrogen भी और halogen भी जब eliminate हो जाएंगे तो ऐसे reactions क्या कहलाते हैं, elimination reaction कहलाते हैं. तो basic definition की अगर हम बात करें तो basic definition ये आपके सामने. और अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें कि ये होता किस तरह से है तो डिटेल में जो है रिएक्शन की मदद से हम इसी बात को समझते हैं कि एलिमिनेशन कैसे हुई दोनों मटेरियल्स की. तो लेट्स सपोज कि ये कोई अल्काइल हैलाइड है विच इज एथाइल हैलाइड. हैलोजन में हमने जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, स्पेसिफिक नहीं किया हुआ हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन. तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला. तो जब भी किसी अल्काइल हैलाइड पर कोई बेस आकर रिएक्ट करती है, जब भी किसी अल्काइल हैलाइड पर कोई बेस आकर रिएक्ट करती है तो वो बेस क्या करती है, उस अल्काइल हैलाइड में पड़े हुए बीटा कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है. और जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसके त्रिज्य में कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई हो जाती है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. और उस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए जो अल्फा कार्बन होता है वो इस बीटा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है. और जब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो यहां पर अल्काइल हैलाइड में जो हैलाइड ग्रुप था विच इज ड्यू टू दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो वो भी यहां से क्या हो जाता है, इलिमिनेट हो जाता है. अब चूंकि दोनों काम एक साथ में हो रहे हैं, बेस के अटैक करने पर अल्काइल हैलाइड पर जब बेस ने अटैक किया तो बेस के अटैक करने पर एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया विच इज बीटा कार्बन और वहां हमने समझा हुआ बीटा अल्फा कार्बन और दूसरे कार्बन से हैलोजन रिमूव हो गया और दूसरा कार्बन अल्फा कार्बन. तो एक कार्बन से हैलोजन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है और इसके नतीजे में दोनों कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और अल्कीन प्रोड्यूस होता है. अब चूंकि दो स्पीशीज या दो एटम्स एक ही कंपाउंड में से एलिमिनेट हो रहे हैं
that's why such kind of reaction are known as elimination reaction. इस वजह से इनको elimination भी बोला जाता है. इसके अलावा इसको beta elimination भी बोला जाता है क्योंकि hydrogen की removal कौन से कार्बन से हो रही है, beta कार्बन से. इसके अलावा इन reactions को 1-2 elimination reaction भी बोला जाता है. 1-2 elimination reaction means कि carbon number 1 से भी एक group लिया और carbon number 2 से भी एक group ले लिया, इस वजह से 1-2 elimination reaction भी कहलाती है. आगे बात करते हैं इनके मैकेनिज्म की, तो दो तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं. एक मैकेनिज्म होता है E2 मैकेनिज्म और एक होता है E1 मैकेनिज्म. इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि E2 मैकेनिज्म क्या होता है, E1 मैकेनिज्म जिसे बोलते हैं. लेट्स हैव अ लुक E2 मैकेनिज्म. सबसे पहले तो हम मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं E2 मैकेनिज्म होता क्या है. जब किसी अल्काइल हैलाइड और कौन सा अल्काइलाइड प्राइमरी अल्काइलाइड, जब किसी प्राइमरी अल्काइलाइड पर जैसे कि ये हमारे पास अल्काइलाइड कौन सा था, प्राइमरी अल्काइलाइड. प्राइमरी अल्काइलाइड और सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइलाइड का कांसेप्ट तो आपको होगा याद, आगे की डिटेल में भी जा रहा. तो प्राइमरी अल्काइलाइड की बात करते हैं, जब किसी प्राइमरी अल्काइलाइड पर कोई बेस आकर रिएक्ट करती है, जब किसी प्राइमरी अल्काइलाइड पर कोई बेस आकर रिएक्ट करती है तो बेस क्या करती है, वो उस अल्काइलाइड के बीटा कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन को जिस पे चार्ज क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन को क्या करती है रिमूव कर देती है, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है. अब यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है हाइड्रोजन के ऊपर, उसकी रीजन ये होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पे ये क्या करता है अपने और कार्बन के दरमियान जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसमें चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव. कार्बन इस पार्शियल पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए साथ वाले बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके नतीजे में इस कार्बन का चार्ज कौन सा आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव. सिमिलरली ये कार्बन भी अपने चार्ज को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन पर भी चार्ज आ जाता है पॉजिटिव. अब हम जानते हैं हाइड्रोजन के चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हाइड्रोजन से दूर जा चुका है. अब ये हाइड्रोजन जो है वो आसानी से रिलीज हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इससे दूर चला गया, तो ये आसानी से रिलीज हो सकता है. तो अगर आप गौर करें तो अब अल्काइलाइड एक ऐसी स्पीशी बन चुकी है जिस स्पीशी में से ये प्रोटॉन आसानी से रिलीज हो सकता है, ये प्रोटॉन आसानी से रिलीज हो सकता है. इस वजह से ऐसी स्पीशी जिसमें से प्रोटॉन आसानी से रिलीज हो जाए वो स्पीशी क्या कहलाती थी, इस अकॉर्डिंग टू लोरी क्रोसनेट कॉन्सेप्ट. तो इस वजह से ये हाइड्रोजन क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है. तो जब कोई बेस अप्रोच करती है प्राइमरी अल्काइलाइड को तो वो क्या करती है, उसके बीटा कार्बन पर पड़े हुए हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है. तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो यहां पर कार्बन पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव. कार्बन अपने इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है. जब दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो वो कार्बन भी अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई रखने के लिए यहां से ये बॉन्ड क्या कर देता है, तोड़ देता है. जब यहां से ये बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास पहले जो एक इंटरमीडिएट कंडीशन आती है, इंटरमीडिएट स्टेट आती है. उस इंटरमीडिएट स्टेट में अगर आप देखें क्या हो रहा है, तो इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जिसको मैं डॉटेड लाइन से बीच में से निकाल रहा हूं, क्योंकि बेस ने अटैक किया हुआ है इस हाइड्रोजन पर, और इसके साथ कार्बन का ये वाला बॉन्ड जो है डबल, इसको भी मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि ये बनना शुरू हो गया है इससे दूसरे कार्बन से, और दूसरे कार्बन का विच इज अल्फा कार्बन, इस कार्बन का जो अपने हैलोजन के साथ बॉन्ड था वो भी ब्रेक होना स्टार्ट हो गया. तो इस वजह से इसको भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डॉटेड लाइन से. तो ये चेंजेस प्रोड्यूस हो रही है जब बेस ने अटैक किया बीटा कार्बन पर पड़े हुए हाइड्रोजन पर, तो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा उसको बीटा हाइड्रोजन ही बोलेंगे. तो जब बीटा हाइड्रोजन के ऊपर उसने अटैक किया तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा
होगा इसके नतीजे में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और साथ साथ ये वाला बॉन्ड जो है जो कि अल्फा कार्बन का हैलोजन के साथ है वो भी ब्रेक होगा। तो हमारे पास ये इस तरह की एक इंटरमीडिएट स्टेट आ जाती है। इस इंटरमीडिएट स्टेट के बाद क्या होता है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहां से ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। तो अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, ये अल्फा के साथ दो हाइड्रोजन अटैच, ये बीटा के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है और जो बेस आई थी उसने हाइड्रोजन को रिलीज करवा दिया था और यहां से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो गया था और ये हमारे पास में है वो फाइनल प्रोडक्ट कंपनी जिसके नतीजे में किसकी प्रोडक्शन होती है एल्कीन की। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एल्कीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन के नतीजे में किसकी प्रोडक्शन होती है एल्कीन्स की। अब E2 ये तो कंप्लीट मैकेनिज्म है। अब E2 रिएक्शंस या E2 मैकेनिज्म को E2 क्यों बोलते हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, सिंगल स्टेप है। इसमें जो है वो दो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक रिएक्टेंट अल्काइल हाइड है दूसरा रिएक्टेंट बेस है, दोनों इकट्ठे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक इंटरमीडिएट स्टेट बन रही है और उसके नतीजे में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन जो है ये भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाता है। अब इस सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया एट अ टाइम, दो मॉलिक्यूल्स ने, इस वजह से ये क्या कहलाता है E2 मैकेनिज्म कहलाता है। इस रिएक्शन का रेट क्या होगा आप जानते हैं, इधर हमने सीखा कि किसी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टिव स्पीशीज के। और यहां पर कौन कौन सी स्पीशीज रिएक्ट कर रही थी, नंबर वन बेस रिएक्ट कर रही थी और नंबर टू अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा था। और जो स्पीशी बेस के साथ रिएक्ट कर रही हो या वो स्पीशी जिस पर बेस आकर इफेक्ट कर रही हो उसको हम सब्सट्रेट भी बोलते हैं। तो यहां हम सब्सट्रेट भी लिख सकते हैं। तो इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बेस टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपने सीखा कैसे निकालते हैं, जो रिएक्टिविटीज के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनके एल्जेब्रिक सम की इक्वेलेंट। तो यहां इसका एक्सपोनेंट में क्या है, 1 इसके एक्सपोनेंट में क्या है, तो 1+1=2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा E2 का 2। मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं, तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, तो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे, 2 दिखाता है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होगी 2। नेचर ऑफ द हैलाइड मींस कि कौन कौन सी टाइप के अल्काइल हैलाइड हैं जो इस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तो हम शुरू मैकेनिज्म के अंदर सीखा वो कौन से होते हैं जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं। सेम चीजें हमने डिस्कस करनी है इवन मैकेनिज्म की, विच इज क्वाइट सिंपल, ऑलमोस्ट हमारा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। E2 मैकेनिज्म के अगर आपने इस डिटेल को जो है वो फॉलो कर लिया है तो यही चीजें हमने जो है वो E1 के अंदर स्टडी करनी है। सबसे पहले हम E1 के जो है मैकेनिज्म की बात करते हैं, E1 जो है वो इस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो E1 जो रिएक्शन होते हैं एलिमिनेशन वन टाइप रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स के, ये ज्यादातर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं और इनके अंदर जो है वो सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है। इन रिएक्शंस में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन मतलब कि लेट्स सपोज कि ये कोई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, जनरल एक्स से ही मैंने लाइट को रिप्रेजेंट कर दिया। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो कि फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली 3 के साथ अटैच हो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, इसमें क्या होगा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस रिएक्शन का, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था कि कोई भी रिएक्शन जो होता है वो लास्ट में नहीं है कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, रिएक्शन के स्टेप्स की सीरीज होती है जिनके अंदर कोई एक केमिकल रिएक्शन मुकम्मल होता है। तो इस तरह का अगर सब्सट्रेट हो ये अल्काइल हैलाइड है और यहां हमने बड़ा अल्काइल हैलाइड है उसको सब्सट्रेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का सब्सट्रेट हो तो इस तरह के सब्सट्रेट के
सबसे पहले चूंकि हैलोजन के साथ एक बल्कि ग्रुप अटैच है, तो इस बल्कि ग्रुप की वजह से जो है वो पहले कार्बन कैटायन फॉर्मेशन होगी। कार्बन कैटायन फॉर्मेशन कैसे होगी कि यहां से जो हैलोजन है सबसे पहले वो रिलीज होगा। आप जानते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन का मेल शेयर है कार्बन और हैलोजन के दरमियान में, तो ये बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अटैक करेगा, जिसकी वजह से इसमें चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। और स्ट्रॉन्गली जब अट्रैक्ट करेगा, और चूंकि हम जानते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन के केस में सब्सट्रेट को कौन अप्रोच कर रहा होता है, बेस अप्रोच कर रही होती है, तो इस केस में अंडर द इन्फ्लुएंस, इस केस में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बेस, बेस की इन्फ्लुएंस की वजह से, अभी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया डायरेक्टली, सिर्फ उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से जो ऑलरेडी हैलोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। जब हैलोजन रिलीज हो जाएगा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो कार्बन के साथ तीन, कार्बन जो है उसके सिर्फ तीन बॉन्ड रह जाएंगे और कार्बन में चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा कार्बो के टाइम, ये कार्बो के टाइम फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह से। इस केस में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट थी वो sp3 थी। कार्बन तब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है जब वो चार सिंगल बॉन्ड बनाता है, चार सिंगल, इस केस में उसने चार सिंगल बॉन्ड बनाए हुए थे, लेकिन जब कार्बन में होता है वो तीन बॉन्ड बनाता है जो कि सिंगल हो सकते हैं या उनमें से कोई एक डबल भी हो सकता है। जब कार्बन तीन बॉन्ड बनाता है तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो sp2 हो जाती है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के केस में जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर हो जाता है। लेट्स सपोज के ये सेंट्रल कार्बन है, दिस इज द सेंट्रल कार्बन, और इस कार्बन के साथ जो है वो तीन ग्रुप अटैच है, तीन मिथाइल ग्रुप अटैच है, फर्स्ट मिथाइल, सेकंड मिथाइल एंड थर्ड मिथाइल, ये एक ही कार्बन के साथ तीन ग्रुप अटैच है और तीनों के तीनों जो है वो सेम प्लेन में है। लेकिन जब इस केस की हमने बात की थी तो यहां तीन ग्रुप तो अटैच है, तो साथ चौथा ग्रुप भी अटैच था, और वो चौथा ग्रुप जो था वो लेट्स सपोज वो इस तरह से अटैच था, तो अब ये स्ट्रक्चर जो था वो एक प्लेन में नहीं था, अब ये दो प्लेन में था, दो एक्सिस पर था ये स्ट्रक्चर। तो जब इस तरह का केस हो तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आती है, sp3, लेकिन जब एक बॉन्ड निकल गया तो कार्बन के साथ सिर्फ तीन ग्रुप्स अटैच है, और इस केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा प्लेनर। अब ये कार्बन की डिफॉर्मेशन होगी। अब यहां पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है और ये जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, और केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सा स्टेप स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाता है, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बेस पर ही हम किसी केमिकल रिएक्शन की इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बेस पर ही किसी केमिकल रिएक्शन की इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे यहां पे एक ही स्टेप था और वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप था P2 के केस में, तो इन तमाम चीजों को हमने उसी स्टेप की बेस पर डिफाइन की, लेकिन चूंकि यहां पे दो स्टेप होंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिन स्टेप है, इस रिएक्शन के लिए हम इस तरह की जो भी चीजें डिटरमिन करेंगे वो सारी की सारी सिर्फ इस स्टेप के ऊपर बेस कर रही होगी। इसका सेकंड स्टेप देखते हैं, सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बन टाइम फॉर्मेशन होगी, ये कार्बन टाइम है, अब क्या होगा कि बेस आकर अटैक करेंगे, तो बेस नहीं आना है, एलिमिनेशन रिएक्शन पार्ट है, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो है वो बेस अटैक करता है, तो जब बेस आती है तो बेस में आकर अटैक किस पर करना है, बीटा कार्बन, किस पर अटैक करना है, बीटा कार्बन पर, नॉट बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन पर जो कि बीटा हाइड्रोजन कहलाती है। अब यहां पर यह अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन क्यों, क्योंकि इसी के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच था, तो इस वजह से यह अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन के साथ जो तीन ग्रुप अटैच है, तीन कार्बन जो अटैच है वो बीटा कार्बन कहलाते हैं, उन बीटा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे, तो कोई भी एक बीटा हाइड्रोजन जो है वो यहां से क्या हो जाएगी, इस बेस की वजह से रिमूव हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर यहां आकर अटैक करती है तो इसके बेस में क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, मतलब इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, CH2 H, तो ये आकर अटैक किया जिसकी बेस पर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और बैलेंस करने के लिए कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा।
चीज ना समझ आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।